बात करते हैं। दुनिया भर में माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में दिक्कत आ गई है। दुनिया भर में बैंकिंग समेत कई सेवाएं बाधित हो गई हैं। दुनिया भर के विमान उड़ान नहीं भर पा रहे हैं। भारत समेत पूरे देश में विमान सेवाएं प्रभावित हुई हैं। सर्वर समस्या की वजह से ये सेवाएं प्रभावित हुई हैं। स्टॉक एक्सचेंज रेडियो प्रसारण भी बाधित हो गया है। बताया जा रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में तकनीकी खराबी आ गई है। ब्रिटेन में कई न्यूज चैनल्स का प्रसारण भी रुक गया है। अमेरिका में 911 सेवाएं बाधित हो गई हैं। बड़ी खबर हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। इस वक्त जो दुनिया भर के लिए सबसे बड़ी खबर बनी हुई है वो हम आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर यही है कि माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में दिक्कत आ गई है। दुनिया भर में बैंकिंग समेत तमाम सेवाएं इस वक्त बाधित हो गई हैं सर्वर में दिक्कत आने के चलते। इसके अलावा विमान उड़ान नहीं भर पा रहे हैं। भारत समेत पूरे देश में विमान सेवाएं बाधित हुई हैं और ऐसा ही सिलसिला दुनिया के अलग अलग देशों में भी देखने को मिल रहा है। सर्वर समस्या की वजह से सेवाएं प्रभावित हुई हैं। स्टॉक एक्सचेंज रेडियो प्रसारण में भी दिक्कत आ रही है। बताया जा रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में तकनीकी खराबी के चलते फिलहाल ये समस्या खड़ी हुई है। ब्रिटेन में कई न्यूज चैनल्स के प्रसारण में भी दिक्कत आई है, प्रसारण रुका हुआ है। अमेरिका में 911 सेवाएं बाधित हो गई हैं। दुनिया तकनीक की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। टेक्नोलॉजी पर ही सब कुछ निर्भर है और इन सब के बीच जो बड़ी खबर सामने आई है वो फिलहाल सभी की परेशानी बढ़ाने वाली है। अलग अलग सेक्टर्स की परेशानी इस वक्त बढ़ी हुई है, चाहे बैंकिंग सेक्टर्स की बात करें, एविएशन सेक्टर की बात करें, तमाम सेवाओं पर सीधे तौर पर इसका असर पड़ा है। अमेरिका की बात करें तो वहां पर 911 सेवाएं इस वक्त बाधित हुई हैं माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में दिक्कत आने की वजह से। स्टॉक एक्सचेंज पर भी इसका असर पड़ा है। रेडियो प्रसारण में भी इस वक्त दिक्कत आ रही है। ये बड़ी खबर हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। कह सकते हैं कि एक बड़ा संकट इस वक्त तमाम अलग अलग सेक्टर्स पर देखने को मिल रहा है। माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में दिक्कत आने के चलते खासतौर से एविएशन सेक्टर में फ्लाइट्स उड़ान नहीं भर पा रही हैं। इसके अलावा टीवी प्रसारण पर भी इस वक्त बाधा आ गई है और साथ ही साथ बैंकिंग सेक्टर पर भी इसका असर पड़ा है। कुल मिलाकर समूची दुनिया में इस वक्त इसका असर देखने को मिल रहा है। सर्वर समस्या की वजह से तमाम सेवाएं प्रभावित हुई हैं। स्टॉक एक्सचेंज, रेडियो प्रसारण, टीवी प्रसारण, इसके अलावा अमेरिका में 911 सेवाएं ऐसी हैं जो कि बाधित हो गई हैं माइक्रोसॉफ्ट में सर्वर में तकनीकी दिक्कत आने के चलते। ब्रिटेन में ट्रेनों का संचालन भी फिलहाल बंद है, रुका हुआ है। कई न्यूज चैनल्स का प्रसारण भी रुका हुआ है और जो एडवाइजरी जारी की गई है एविएशन की तरफ से वो भी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। आप देखिए, बताया गया है कि सर्वर में तकनीकी दिक्कत आने के चलते फिलहाल उड़ानें नहीं इस वक्त भर पा रही हैं और इस वजह से यात्रियों को भी दिक्कतों से दो चार होना पड़ रहा है। लेकिन इसके लिए लोगों को सूचनाएं भी उपलब्ध करवाई जा रही हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी विमान नहीं उड़ पा रहे हैं। लंदन स्टॉक एक्सचेंज में तकनीकी दिक्कत आ गई है। अमेरिका में कुल 911 सेवाएं ऐसी हैं जो कि इस वक्त बाधित हो गई हैं और ब्रिटेन में ट्रेनों का संचालन भी बंद हो गया है। और न्यूज रूम से हमारे सहयोगी नीलू इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। नीलू, बड़ी खबर पूरी दुनिया भर के लिए बड़ी खबर है। न सिर्फ टेलीविजन सेक्टर पर असर पड़ा है, स्टॉक एक्सचेंज पर इसका असर पड़ा है, बैंकिंग सेक्टर पर इसका असर पड़ा है। क्या कारण निकलकर सामने आ पा रहे हैं? ज्यादा अच्छा है। तो बड़ी खबर हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। स्टॉक एक्सचेंज में भी दिक्कत आ रही है, माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में दिक्कत आई है और इसके चलते ही तमाम सेवाओं पर सीधे तौर पर इसका असर पड़ा है। तकनीकी खराबी के चलते, सर्वर में तकनीकी खराबी के चलते ये सेवाएं फिलहाल बाधित हुई हैं। एयरलाइंस के साथ बैंक सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं। स्टॉक एक्सचेंज में भी दिक्कत आ रही है, रेडियो टीवी प्रसारण में इस वक्त दिक्कत आ रही है। लेकिन इसके पीछे कारण क्या है, तकनीकी खराबी का कारण क्या है और कितना इसमें समय लग जाएगा सेवाओं को बहाल होने में, फिलहाल इसको लेकर अभी कोई ठोस जानकारी नहीं है। लेकिन जो एडवाइजरी जारी की गई है एयरलाइंस कंपनी की तरफ से उसकी भी एक कॉपी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं।